ये बात कुछ दिन पहले की है। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और बदकिस्मती से मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई। वहां पर पहले ही दिन मैंने देखा कि एक आदमी एटीएम में आता है और 100 रुपये निकाल कर ले जाता है। मेरे लिए यह कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन मेरे कान तब खड़े हो गए जब वही व्यक्ति अगले दिन फिर एटीएम में पहुंचता है और दोबारा से 100 रुपये निकाल कर ले जाता है। और यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। उसमें मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मेरी यह शंका निराधार साबित हुई। सलाम फौजी साहब। क्योंकि वह आदमी तो एक फौजी था। सलाम साहब। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। फौजी साहब, मैं हर रोज देखता हूँ आप आते हो, शाम को 100 का नोट निकाल ले जाते हो। यदि आप चाहो तो एक बार में ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हो और आपका कई दिन का खर्चा चल सकता है, लेकिन आप 100 का नोट ही क्यों निकालते हो? जवान, मेरा जो ये अकाउंट है ना, जब भी मैं इसमें से पैसे निकालता हूँ मेरी पत्नी के पास एक मैसेज जाता है, क्योंकि कश्मीर का माहौल तो आपको पता ही है और मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट तो यहाँ रोज़ ही बंद हो जाता है, तो इसी बहाने मेरी पत्नी को, मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि मैं भी जिंदा हूँ और मैं बिना किसी फिक्र के अपने देश की रक्षा करता हूँ। बस इसीलिए रोज़ सिर्फ 100 रुपये निकालता हूँ। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर एक माँ का लाल भारत माँ का फौजी बनता है। जय हिंद। Entertainment.